हम पहुंच गए हैं हल्द्वानी। यहाँ से है हमारे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 13 किलोमीटर दूर, और लोकेशन हमें ये दिखी थी, हमने सोचा दिखा देते हैं आपको। पहाड़ भी दिख रहे हैं, बादल भी दिख रहे हैं, और सूखी हुई नदी भी दिख रही है। सामने रोड है, यहाँ पे गाड़ी रोक रख के। तो गाइस फाइनली देख रहे हो मेरे चेहरे की खुशी, वो इसलिए है क्योंकि हम लोग हल्द्वानी के अंदर पहुँच गए हैं, और हम ना सौरभ जोशी का घर अभी देख रहे हैं कि कहाँ पे है, और मिलना होगा या नहीं होगा। अंकल सौरभ भैया हैं क्या अंदर? कि बाहर गए हुए? कहीं बाहर गए। आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे, कब तक आएंगे? जब होंगे तभी तो देखो। हम लोग आए हैं राजस्थान से। तो वैसे उनका घर कहाँ है, किस तरह से, कौन सा? अंदर थोड़ी जा रहे हैं, वैसे ही बता दो हमें। तो कौन सा वाला? सामने इसमें दिखाते भी ब्लॉग में ना, वो सामने वाला मंदिर दिखाते हैं। बोले गए हुए हैं, आएंगे शाम तक आएंगे। देखो हम लोग सौरभ जोशी के जो भाई, सौरभ जोशी का जो घर है जस्ट बाहर खड़े हम लोग, देखो। और अभी हम वेट करेंगे, उन्होंने बोला आएंगे, मिल के ज़रूर जाएंगे उनसे। गाइज हम लोग है ना सौरभ जोशी का यहाँ पे वेट कर रहे हैं। वो देखो सामने उनका वो अपार्टमेंट जो भी है, घर है, उसके अंदर सोसाइटी के अंदर जाके उनका घर आता है। वो सामने मंदिर दिख रहा होगा आपको, है ना? तो देखते हैं अगर मिल जाए तो। गार्ड साहब क्या बता रहे थे, बताओ। वो तो गार्ड तो यही बोल रहे थे कि भाई दो चिंटू मिंटू के साथ गया हुआ है। दो चिंटू मिंटू। मेरे हिसाब से ना वो बंदा, हम क्योंकि दो ही लोग हैं यहाँ पे और कोई भी नहीं है, तो हम ऐसे मतलब प्यार से आके बोलेंगे, बातचीत करेंगे, तो पक्का 5 मिनट तो दे ही देंगे, पक्का दें। भीड़ होती तो शायद नहीं रुकते। देखो सुनो, अगर सौरभ भाई से मिल लिए ना, तब सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। जितने भी भाई के फैन है ना, जितने भी भाई को सपोर्ट करते हैं, मेरे को भी सपोर्ट करना। अगर वो नहीं भी दिखे ना, तब भी सपोर्ट कर देना यार, हो जाता है वो। नहीं ऐसे नहीं होगा सौरभ भाई। सौरभ भाई बड़ी मुश्किल से मिल ही गए फिलहाल, प्लीज बैठे अंदर नाली। हेलो, तो गाइस फाइनली हमें सौरभ भाई मिल गए हैं, जयपुर से आए हैं, बड़ी दूर से जयपुर से भाई से मिल रहा था। उम्मीद थी भाई आप मिलेंगे पक्का। थैंक यू सो मच भाई आपसे मिलके। सामने पीयूष भी बैठे हैं। हेलो, पीयूष हेलो, कैसे हो? और कुनाली भी है। हेलो कुनाली, कैसे हो? अरे पीयूष सौरी सौरभ भाई की कार है, लेट हो रही है, चलो कोई नहीं भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, टाइम दिया वही बहुत है। थैंक यू भाई, थैंक यू सौरभ। थैंक यू। जयपुर कब जा रहे हो? कुछ दिनों में। कितने दिनों में? पता नहीं यार, अभी फाइनल देने के लिए जा रहे हैं, टाइम देने के लिए। बाय पीयूष, बाय कुनाली, बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो। ओके बाय, बाय, टेक केयर, बाय बाय। ओहो क्या स्पीड है, बहुत अच्छे से जा रहे हैं यार। दिखा रहा है क्या, मजा आ गया सच में यार। बोला था नाइस बंदा, नाइस बोला था, मिलना था, मिलना है, नाइस बंदा यार। फाइनली सौरभ भाई से मिल लिए हैं हम लोग। सही में यार, जो लोग बोलते हैं ना एटीट्यूड है भाई, कुछ एटीट्यूड नहीं है, डाउन टू अर्थ बंदा है, बिल्कुल हम्बल बंदा है। बाकी ये होता है कि खुद बंदे की थोड़ी सी प्राइवेट चीज होती है, प्राइवेसी होती है, उसको भी ध्यान में रखा करो। सही बता रहा हूँ, मजा आ गया, इतना अच्छा फील हो रहा है मुझे अंदर से, इतना अच्छा फील हो रहा है कि जिस बंदे को हमेशा हम व्लॉग में देखते हैं ना, उसको फेस टू फेस देख रहे हैं। पहले ना भाई सौरभ भाई ना पहले मना कर रहे थे वीडियो के लिए कि नहीं यार भाई प्लीज़ 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 मत बनाओ, मत बनाओ, ऐसे बोला कि नहीं मत बनाओ वीडियो। तो मैंने बोला कि ठीक है एक फ़ोटो लेंगे, फिर फ़ोटो के लिए भाई ने यस बोला। तो फिर उसके बाद मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि यही बोलूँगा कि हम सौरभ भाई से मिल लिए हैं। फिर उन्होंने खुद ही बोल दिया, बोले बना लो यार, कोई बात नहीं, जयपुर से इतनी दूर से आए हो ना, बना लो। तो ये भाई तो पहले भी मिले हुए थे, फ़ोटो भी ली, सेल्फी भी ली, पीयूष भी था, कुनाली भी थी, थार थी उनके पास। हम ये सोच रहे थे कि अपनी फॉर्चूनर से गए होंगे, लेकिन वो उनकी फेवरेट थार ही रहती है, तो थार से ही गए। सो फाइनली मिल लिए हैं, मिल लिए। चलें भाई अब कुछ खाते हैं इसी खुशी में। ये देखो मुर्गी चोर टी। मैंने सिर्फ यूँ किया था भाई, एक फ़ोटो लेनी है, वो भी इशारे में, शीशे उसके बंद थे, उसको सुना ही नहीं, मैंने सिर्फ यूँ किया था, वो रुक गया। मैंने बोला भाई बड़ी दूर से आऊँ जयपुर से, आपके साथ एक सिर्फ एक फ़ोटो लेनी है। फिर मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई आपके साथ एक क्लिप ले लूँ मैं? मैंने ये नहीं बताया मेरे यूट्यूब चैनल है, मैंने बोला एक क्लिप ले लूँ छोटी सी, सौरभ जोशी मिल लूँ मैं। तो उन्होंने बोला, मना कर दिया, नहीं यार भाई नहीं, रोस्ट करते हैं लोग, हम ऐसे बोला, नहीं ऐसे करके बोला, इनको बोला पहले नहीं। इन्होंने भी 3-4 बार पूछा, बोले बना ले, मैं पहाड़ी लड़का हूँ, पहाड़ यहीं पे रहता हूँ, कोसौली घर है मेरा, कोसानी मेरा घर है, मैं पहाड़ का लड़का हूँ, पहाड़ी हूँ, हम ऐसे अच्छे परिवार से हैं। तो फिर बोला नहीं यार नहीं,
चलो बना लो, ऐसे बोला क्योंकि उन्होंने बना लिया बस। नॉर्मल थे सिंपल, जाके यार आप वेट करो, इंतज़ार करो, सिंसियर तरीके से मिलो उनसे, तो वो कभी मना नहीं करेंगे, कभी मना नहीं करेंगे। और परमिशन लेने के बाद ही वीडियो बनाया करें। हाँ देखो, कोई वीडियो शूट नहीं, हमने ऐसे नहीं कोई सौरभ 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 भागे सौरभ भागे ऐसे कैमरा लेके नहीं भागे, नॉर्मली बैठे रहे, वो दिखा उसकी थार दिखी, उतर के गया मैं उसके पास, मैं यूँ किया भाई एक फोटो लेनी, इशारे में बोला, वो रुका, मैंने बोला भाई जयपुर से आऊँ, ऐसे करके नॉर्मल जाओ उसके, पहले उससे पूछो भाई आपके साथ छोटा सा क्लिप ले लूँ, परमिशन लेके बना लो वीडियो, अगर नहीं बनवाने दिया तो क्या है, फोटो ले लो, फोटो में दिखा दो भाई मिल लिया मैं, बात खत्म है यार। अभी तो खाएंगे हम कुछ यार, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, सौरभ को मिलने के बाद ज़्यादा भूख लगने लग गई, कुछ ही बर्दाश्त नहीं हो रहा।